कमेंट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 58 है, पूछा गया है कि 10C पहले अप्लाई किया, दो दिन बाद 19 अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो जाएगा क्या। देखिए पॉइंट ये है कि 19 और 10C फॉर्म आपको एक साथ में भरना होता है। एक साथ का मतलब है कि आप 19 चाहे पहले भर दीजिए, 10C बाद में भर दीजिए, या 10C पहले भर दीजिए, 19 बाद में भर दीजिए, मतलब एक ही दिन में भरना अच्छा रहता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सिर्फ फॉर्म नंबर 10C भरा, 19 नहीं भरा, तो आपका 10C रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि आप 19 पहले भरिए, उसके बाद 10C भरिए, वो भी सेम डे में। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे 10C आपने भर दिया, उसके बाद अगले दिन या उससे अगले दिन आपने 19 भरा, तो इस तरह से होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ। जो उनके पास क्लेम फॉर्म आते हैं वो डेट के हिसाब से लगे रहते हैं। अब मान लीजिए कि आपने फॉर्म एक भरा, जो आज तारीख है 14 अप्रैल 2022 है, तो 14 अप्रैल को आपने 10C भर दिया। अभी क्या हुआ, पीएफ जो अधिकारी हैं उनके सिस्टम में 14 अप्रैल की तारीख में 10C फॉर्म पड़ा हुआ है, उसके दो दिन बाद आपने 16 अप्रैल को 19 भरा, तो जब उनके पास 10C आया 14 अप्रैल को, तो उन्होंने देखा 10C, तो उनको उस दिन में आपका 19 फॉर्म नहीं मिला, तो उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं। या तो वो आपका छूटते ही रिजेक्ट कर दें फॉर्म 10C कि आपने 19 फॉर्म नहीं भरा, हम आपका रिजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है कि वो सर्च कर सकते हैं, उनके पास इस लिस्ट के अंदर में सर्च करने का ऑप्शन होता है, वो UN नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं कि क्या इस UN का और कोई क्लेम आया है। अगर वो सर्च करेंगे कि हाँ भाई इस UN नंबर का एक और क्लेम आया है, जो फॉर्म नंबर 19 है, जो कि 16 अप्रैल को भरा गया है, तो निश्चित तौर पे आपका फॉर्म पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सारी की सारी बात उस अधिकारी के ऊपर आ जाती है जो आपका फॉर्म प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसमें आप राम भरोसे होते हैं, आपका फॉर्म पास भी हो सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आपके आसपास का पीएफ ऑफिस हो तो आप पीएफ ऑफिस जाके एक रिक्वेस्ट लेटर दे सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि मैंने अपना 10C अप्लाई किया है 14 तारीख को और 19 अप्लाई किया है 16 तारीख को, तो मैं अनुरोध करूँगा कि अकाउंट ऑफिसर मेरा ये दोनों फॉर्म एक साथ देखें और एक साथ मेरा फॉर्म पास कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है 10C, तो मान लीजिए 16 तारीख की लिस्ट जब आएगी, जब वो ऊपर ऊपर देखते देखते 16 तारीख की लिस्ट पे आएंगे, तब वो आपका फॉर्म नंबर 19 पास कर देंगे, फॉर्म 19 पास हो जाएगा। अगर आप सिंगल सिंगल फॉर्म 19 भरते हैं तब तो पास हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, 19 पास हो गया, उसके बाद जैसे 19 फॉर्म सेटल हो, उसके बाद आप फॉर्म 10C भर दो, तो आपका 19 पहले आ गया, 10C बाद में आ गया, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन मैंने आपको हर तरह से समझाने की कोशिश की है। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, आपको मेरा जवाब कैसा लगा, ज़रूर कमेंट में बताएं। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं, 2.5 साल से मैं आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, लाइव में आपके सवालों का आंसर कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे ये चैनल बड़ा होगा, मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सवालों का जवाब दे रहा हूँ, तो इन प्रैक्टिकल सवालों को सॉल्यूशन जो है हमें कहाँ से मिलेगा। मैंने आपको कुछ बता दिया तो क्या उससे सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ऐसे नहीं होगा। सॉल्यूशन होगा जब पीएफ ऑफिस उस चीज़ों के ऊपर सिस्टम में बदलाव लाएगा, और सिस्टम में बदलाव लाएगा जब आप लोगों की आवाज़ उन तक पहुँचेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को बड़ा करने में हेल्प करें। इसके अलावा अगर आप पीएफ का काम ऑलरेडी कर रहे हैं या पार्ट टाइम पीएफ का काम सीखना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा फीस देके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पीएफ का काम सिखाऊंगा। और अगर आप सपोर्ट करना चाहें फाइनेंशियल, ताकि मैं बेहतर क्वालिटी की वीडियो बना सकूँ।